गौतम गंभीर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। बता दें कि गौतम गंभीर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, सुबह सुबह वोट डालने के लिए मतदान बूथ पर। और गौतम गंभीर ने पिछली बार ईस्ट दिल्ली से चुनावी जीत हासिल की थी, 55% वोट शेयर उनको मिले थे, लेकिन इस बार उनका उनका टिकट काट दिया गया। यकीनन उनको निराशा जरूर लगी, लेकिन पहले ही उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया था। लेकिन गौतम गंभीर देखिए सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए, क्या कुछ कहा मतदान करने के बाद गौतम गंभीर ने, सुनते हैं। All I want to say is that everyone should come out and vote for in as large numbers as possible, because this is our power, this is our democracy, and to make democracy even more powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मौसमी, गौतम गंभीर भी वोट डालने के लिए पहुंचे, बासुदेव स्वराज की भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर बताइए स्थिति क्या है। बिल्कुल, देखिए चित्रा, अभी हम लोग आदर्श अटल स्कूल पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे लगातार वोटर्स के आने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अपनी बेटे और बेटी के साथ यहीं पे वोट डालेंगी, मिराया जो है फर्स्ट टाइम वोटर होंगी तो वो भी कुछ ही देर में आएंगी, लेकिन जो जनता है वो सुबह से ही यहाँ पे क्यू लगी हुई है। आप देखिए जो वोटिंग है, वो हेल्प डेस्क है, वहां पे जाके अपना इस तरह से नाम ट्रैक करके तमाम वोटर्स जा रहे हैं। और एक बड़ा दिन है आज, सभी दिल्ली के वासियों को भी हम लोग अपील करेंगे चित्रा की बाहर निकल के वोट करें। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें चित्रा, बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि बासुरी स्वराज एक तरफ है जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, सुषमा स्वराज की विरासत को एक तरह से थामने की कोशिश। आपके पास मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। संजय मैं फौरन आऊंगी, लेकिन मंजीत आपके पास आते हुए, सुल्तानपुर में तो आपके पीछे लंबी कतारें दिखाई दे रही है, जरा बताइए वहां की तस्वीर। चित्रा, इस वक्त आप देखें कि ये एक मॉडर्न पोलिंग बूथ है आदर्श, यहाँ पर काफी संख्या में सुबह में लोग पहुंचे हैं और ये महत्वपूर्ण सीट भी है क्योंकि 8 बार की सांसद बीजेपी के नेता मेनका गांधी दूसरी बार यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पिछले चुनाव को देखें तो वो मात्र 14,000 के मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीती थी। इस बार पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट काटा गया है। कल आखिरी दिन जब यहाँ पर प्रचार का था, वरुण गांधी अपने माँ के प्रचार के लिए पहुंचे थे सुबह 6 बजे के आसपास। मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो बहुत ज्यादा वो बोलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा फोकस सुल्तानपुर पर है, उनके लिए चुनौती है कि इस बार वो बड़े मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीते। ठीक है, मैं फौरन लौट रही हूँ, देखना दिलचस्प रहेगा। 2014 में वरुण गांधी जीते थे, 19 में मेनका गांधी, अब इस बार की परिस्थिति क्या रहती है। हालांकि पिछले बार मेनका गांधी और बीएसपी के उम्मीदवार में जीत का मार्जिन बहुत कम था, लेकिन क्या रहती है परिस्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा।